सब अच्छा एंट्री कर दिया। चलिए मैं इधर का सबसे कॉर्नर वाला मेरा है रूम। जय नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अभी मैं यहाँ पे हॉस्टल में हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे बालकोनी के पास में हूँ और बच्चे कुछ अपना गए हैं, वो लोग पढ़ने के लिए, मैं ही बचा हूँ यहाँ। और मैं देख लीजिए, और ये बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल वहाँ साइड में अलग है, देख सकते हैं। आप लोग को पूरा मैं भी जुलाई दिखा सकता हूँ, अंदर का भी फैसिलिटी दिखाऊंगा। ये PMI हथुआ है, थैंक यू। चलिए दिखा देता हूँ, ये टॉप ऑफ द फ्लोर है। और बच्चे उधर कुछ घूम रहे हैं, देख लीजिए। और नए बच्चे आए हैं, कुछ अपना बढ़िया बिस्तर से फिक्स कर रहे हैं। तो सुबह का टाइम हो गया, अब लिए हाँ बोल रहा है। ये लोग अपना चाय लेकर आ गए हैं, रूम पार्टनर है अंदर, ये रूम पार्टनर है। और ये लोग चाय अपना पी रहा, अभी मैं थोड़ा परोस कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं भी चाय लाने जाऊँगा। भाई बोल रहे हैं कि यूट्यूब चैनल खोले हैं क्या? अभी इन लोग को मैं सीक्रेट रखा हूँ, क्योंकि अभी पूरा प्रोसीजर बाकी है। तो सीनियर को पता लग जाएगा तो थोड़ा आदमी टॉलेट भी हो सकता है, तो इसलिए तो देख सकते हैं। अभी कोई ज़्यादा आदमी है नहीं, चाय उधर रहता है और देने वाले कोई सीनियर रहता है, इसलिए वहाँ पे वीडियो खोलना तो बनाना अलाउ नहीं है ना जी। हाँ, धूप आज थोड़ा बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासी धूप है सोमवार, तो देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए थोड़ा अंदर के दिखा देता हूँ इन लोग का चाय पानी के बारे में। ये अंदर है हम लोग का, अंदर का वो सॉरी देख लीजिए, उनको तो याद भाई, याद उनका क्या नाम है, हाँ पटेल जी हैं वो, देख लीजिए। मतलब सबसे वो हम लोग वही मतलब सीनियर हैं, सीनियर हैं। हाँ, उनका मोबाइल दिन भर चलाते रहते हैं ना जी। और गाना वो मतलब सबसे ज़्यादा भोजपुरी सुनते हैं, फैन है भोजपुरी के। आप लोग देख सकते हैं, इससे नीचे से नीचे आया हूँ और इधर भी देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा ही हॉस्टल देख सकते हैं आप लोग। और घटा हुआ तो पॉल में बहुत ही फील भी है, देख लीजिए। गोपाल में हथुआ का ये मतलब अच्छा क्वालिटी का हॉस्टल है, मतलब पटना से भी अच्छा है, PMCH में है, जो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलेगा कि प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेगा। ये हमारे रूम पार्टनर है, अच्छा कितना फैसिलिटी है यहाँ पे। अब मैं चल रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, और सबके आगे सभी बच्चे जितने भी हैं देख सकते हैं, बहुत ही जो सब ज़्यादा बच्चे हैं तो ज़्यादा वैसे ही आगे यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई सीनियर आएगा तो भाई बता देना हमको, ठीक है ना? कोई सीनियर आएगा तो बता देना, ठीक है? ओके, वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, मैडम जी पूरा पॉज है, अब वहाँ देखा आप लोगों ने।
चाय का टाइम हो गया इसलिए चाय पी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये रहा देख सकते हैं, टाइम टू टाइम आपको चाय नाश्ता लंच सब मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है इस हॉस्टल में। गवर्नमेंट हॉस्टल है गोपालगंज का, सबसे बेस्ट हॉस्टल है, आप अपने बच्चों को भी यहाँ पर भेज सकते हैं। थोड़ा सा बस बच्चों को प्रिपेयर करना है पैरामेडिकल के लिए, तो मैं अब अंदर एंट्री करूँगा क्योंकि मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नीचे कुछ बच्चे भी बैठे हुए आप देख सकते हैं, बच्चे बैठे हुए मतलब बाहर जाने की परमिशन नहीं है, कोई भी आना है तो साइन करना पड़ता है, अपना एंट्री करके जाना ही होता है। थैंक यू। वहाँ पे चाय पी रहे हैं भैया लोग, वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे चाय नीचे रखा गया है, वहाँ पे चाय है, चाय नीचे ही रखा जाता है। देख लीजिए और मैं चल रहा हूँ अपने रूम में। यही मेरा रूम है, मैं एंट्री कर रहा हूँ। बाहर के पार्किंग है सिस्टम, तेरा नाम है तेरा। ये बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, मेडिकल साइड में वो साइड वाला पीछे गर्ल्स। ये मेरा रूम है अभी देख सकते हैं, और चलिए मैं इसमें एंट्री कर रहा हूँ। ये हॉस्टल है, बेड है देख सकते हैं, और स्टार्टिंग चावल है। फैन भी है, और ये बालकोनी है, इसे आप लोग को बाहर दिखा दे रहा हूँ। अभी कुछ बच्चे आए नहीं है, अभी आ ही रहे, एडमिशन चल रहा है प्रोसेस में।
तो जय नमस्ते दोस्तों, कैसा ये हॉस्टल है आप लोग बता सकते हैं। ये गोपालगंज का हॉस्टल है, PMI हथुआ गवर्नमेंट हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल है। बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, आप देख सकते हैं। और मेरा रूम पार्टनर भी है इसमें, तो रूम पार्टनर भी गए हैं लंच के लिए, तो देख सकते हैं आप। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी है, तो आपको अगर आपका भी बच्चा कोई पढ़ना चाहता है इसमें तो आप बता सकते हैं। मैं क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है इस हॉस्टल में आने के लिए, बस नॉर्मल एक बुक खरीदना है पैरामेडिकल का, और कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड एंड वाई वी रीड, एक आना चाहिए तभी ना हम लोग पा सकते हैं। तो चलिए मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ। अब मैं कुछ पढ़ूंगा, जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करना रहता है। पढ़ना तो भाई रेगुलर है ही, पढ़ना तो रेगुलर है ही। तो कैसा है यही डेली का लाइफ है, अगर मैं पूरा भी वीडियो दिखा सकता आपको, हम मैं इसका भी वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी कुछ नए बच्चे हैं इसलिए थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, और फीलिंग हो रहा है। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद। अभी मैं टॉप ऑफ द फ्लोर हूँ, देख सकते हैं। और वहाँ पे कुछ GNM के बच्चे भी है, ये हॉस्टल है टॉप ऑफ द। यहाँ पे GNM के सिस्टर भी है, कई की पार्टी। ये वाला है लड़कियों का हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल है। कुछ बच्चे जा रहे हैं बाहर, और ये वाला नया हॉस्टल बन रहा है, मे बी फुली AC है, ये काम चल रहा है। देख सकते हैं, चलिए मैं फाइनली नीचे चल रहा हूँ। हॉस्टल का कमरा है, यहाँ पे मधुमक्खी लगी है, तो देखा कि आप लोगों ने फैमिली। अभी नया बिल्डिंग उधर बन रहा है, सब पुराने वाला ही है। तो मैं चल रहा हूँ, थैंक यू। लाइ आ रहा है सबसे लास्ट में, वहाँ पे कॉर्नर में, उधर से फर्स्ट में।
अच्छा को भाई तुम काया बड़ा करो उत्तम पर निकलो ये पीछे वाला हॉस्टल ये पति ये कहल हॉस्टल एंट्री कर देंगे एनएमटीसी के पास में कुछ वेटिंग वेटिंग था और हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं तो चलो हम अब हॉस्टल में इसके पास में घर आ रहा हूँ। अभी हम लोग न्यू है इसलिए ये तो हॉस्टल है सब कुछ बाचा बोल रहा है देख रहे हैं अब एंट्री अंदर कर रहा हूँ सभी लोग आ गए हैं चलिए मिल रहा शाम को चाय और पकौड़ी नाश्ता मिलता है शाम को पकौड़ी और चाय नाश्ता मिलता है देख सकते हैं कुछ बच्चे अभी गैलरी में और ये रहा मेरा रूम नंबर 43 मैं एंट्री कर रहा हूँ थैंक यू भाई ये अभी क्लास चालू हो गया है देख सकते हैं आप लोग तो अभी सब मेरे बच्चे अटेंड हो रहे हैं क्लास अब चालू होकर आप देख सकते हैं हाय दोस्तों देखिए दोस्तों अभी हम बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में अब टीचर आएंगे तो कुछ पढ़ाएंगे अभी लाइट ज़्यादा है तो बंद करो तो भाई उसको बंद करो दरवाजे में क्लोज करो ज़्यादा लाइक है सो लाइक पूरा बच्चा सब केवल फर्स्ट ईयर का ही केवल फर्स्ट ईयर का मजा बोल रहा है सब ये सब फर्स्ट ईयर का सुन अभी कुछ गर्ल्स को अलग सेपरेट कर दिया गया कर सकते हैं तो मिल रहा हूँ अगले बड़ी में थैंक यू ये बाहर वाला है टीचिंग हॉल है आज से क्लास स्टार्ट होगा फर्स्ट है सभी बच्चे और जो गर्ल्स थे वो चली गई इसके बाद से परमिशन मिला है वीडियो बनाने का देख सकते हैं इधर अभी बैच खा लिया सब बच्चे आज का पहला दिन जय नमस्ते दोस्तों हॉस्टल लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ बट वी हैव टू फेसिंग समथिंग प्रॉब्लम जस्ट लाइक वी आर नॉट कनेक्टेड टू आवर फैमिली एंड यू आर सेइंग द दिस सिचुएशन हम लोग जब हॉस्टल में आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे में आप लोग देख सकते हैं कि बस चाय ब्रेड खाइए और बस पढ़िए बस यही काम है यहाँ पे खाइए और पढ़िए बस खाइए और ना ही आपको सोशल मतलब जो आपको फैमिली के मेम्बर उनसे आप अटैचमेंट कर पाएंगे ना ही कुछ कर पाएंगे और देखिए शाम को मिलता क्या है बस जस्ट लाइक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड जो आपको मिलेगा क्या चाय बस यही तो है लाइफ में और उसके बाद से बस क्या करना है पढ़ना है और क्या करना है खाना है बस लाइफ में ही करना है और ये बुक है ये बुक आपने देख रहे इतनी बुक को कम से कम एक साल में कवर करना है अब सोचिए कैसे होगा बस यहाँ पे हियर इज आवर टारगेट इज ओनली वी हैव टू ईट गुड फूड्स एंड गुड स्टडी एंड गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट बट something different in our villages area because it's a professional trade of course for everyone so we have to we are sorry I am facing something problems aur boliye aur bolna hai aur kuch bolna hai ha bol de raha hu thoda sa chat isko karo hostel life is a golden life you know very well बट यहाँ पे आपको टाइमली स्पेशली इन हथुआ जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे आपको टाइम पे खाने को सब कुछ मिलता है मतलब गुड क्वालिटी मिलता है और टीचर भी यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के हैं यहाँ के प्रिंसिपल जो है ममता शर्मा जी है मतलब वेरी गुड हीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर तो यहाँ वाला नुस्ताना है प्रोफेशनल तो टीचर है टीचर के साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट भी गुड क्वालिटी के हैं तो अगर किसी को भी हथुआ आना है तो यू हैव टू डिसाइड वन टाइम एंड देन यू हैव टू रीच हियर तो आप इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें आपको यू हैव टू चूज़
लेट्स हैव अ टी, लेट्स टेक टी, थैंक यू।